तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किसान साथियों कि यदि आपने सरसों की बुआई कर रखी है और आप उस क्षेत्र में रहते हैं जहां बहुत ही अत्यधिक पाला पड़ता है, बहुत ही अत्यधिक सर्दी पड़ती है, तो अब आने वाले समय में किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, जिससे हमारी सरसों की फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा यदि हम समय पर उसमें इन तीन कार्यों को नहीं करेंगे। किसान यदि इन तीन कार्यों को किसान भाइयों आप सरसों में सही समय पर कर देंगे तो आपकी फसल में कितना भी ठंड पड़ जाए, कितना भी पाला पड़ जाए, आपकी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगी और उसके उत्पादन में थोड़ी सी भी कमी नहीं आएगी। तो ऐसे कौन से तीन काम है जो आपको ठंड ज़्यादा पड़ने से पहले कर लेना किसान भाइयों, उसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। हेलो किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, देश भर में कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है और हम किसान भाइयों अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने घरों में रजाइयां और कंबल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो जिस प्रकार किसान भाइयों हम खुद को बचाने के लिए नए नए मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं सर्दियों से बचने के लिए, ठीक उसी प्रकार हमारी सरसों की फसल को भी ठंड लगती है किसान भाइयों, उसको भी हमें ठंड से बचाना पड़ेगा, तभी हमें उससे अच्छा उत्पादन मिलना है। और इसमें यदि हम चूक जाएंगे किसान भाइयों तो हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। यदि किसान भाइयों आप कुछ ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां आपने सरसों की बुआई करी है, वहां बहुत ही अत्यधिक ठंड पड़ना शुरू हो गई किसान भाइयों, सबसे पहले किसान भाइयों आपको अपने सरसों की फसल में हल्की सी सिंचाई कर देना है। हल्की सिंचाई करेंगे किसान भाइयों वैसे ही आपके सरसों की फसल का जो तापमान है, नीचे मिट्टी का जो तापमान है, वह संतुलित बना रहेगा। उससे अगर ज़्यादा ठंडी पड़ेगी किसान भाइयों तो भी हमारे सरसों की फसल को नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। सबसे पहले किसान भाइयों आपको अपने सरसों की फसल में हल्की सी सिंचाई करना है। दूसरा उपाय है किसान, यदि आप सरसों की सिंचाई के साथ साथ किसान भाइयों उसमें थायो यूरिया का प्रयोग करते हैं तो अभी आपके सरसों की फसल काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि थायो यूरिया भी किसान भाइयों हमारी सरसों की फसल को ठंड से बचाने में कामयाब है। एक और उपाय कर सकते हैं किसान भाइयों, यदि आप अपने सरसों के फसल के आसपास धुआं करते हैं तो भी आपकी जो सरसों की फसल है वह सुरक्षित रह सकती है, उससे भी हमारा जो तापमान है वह नियंत्रण रहेगा किसान भाइयों, और जो सरसों जो हमारे सरसों पर पाला पड़ेगा उसका ज़्यादा प्रभाव हमारी फसल पर नहीं पड़ेगा, तो इसको भी आप आजमा सकते हैं। तो इन तीनों उपायों में से किसान भाइयों किसी एक या दो उपाय को आप कर लीजिए, इससे आपकी जो सरसों की फसल है वह काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाएगी ठंड से। यदि आप अपने सरसों की फसल को अच्छे से ठंड से बचा ले जाएंगे किसान भाइयों तो निश्चित ही जो आपका उत्पादन होगा वह बहुत ही बढ़िया होगा। इसी क्रम में किसान भाइयों और कई सारी वीडियो हमने बना रखी हैं, वह भी आपको बहुत जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, तो उन वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। बाकी ऐसे ही कंटिन्यू लगातार किसान भाइयों आपको खेती से संबंधित सभी जानकारियां मिलती रहेंगी, तो ऐसे ही लगातार किसान भाइयों आपको खेती से संबंधित छोटी बड़ी सभी जानकारी मिलती रहेगी। तो यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको भविष्य में भी मिलती रहे। किसान भाइयों यदि छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।